नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका एक बार फिर से अपने परिवार द स्पीड स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है अपने एक एक कदम पर रीजनिंग के आखिरी उस पर आ चुके हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, रैंकिंग चैप्टर अभी भी आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसी से आधारित है। देखिए रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट और ये तीसरी जो पजल हमने पढ़ाई अभी कुछ दिन पहले, तो ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे से मैच करते हैं। तो जब भी पढ़ाया जाता है ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ाया जाता है। पजल हमने पढ़ाया और पजल पढ़ाने के बाद फिर अब मैं जो है मतलब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने चल रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट का काम भी वही जैसे पहले आपने पढ़ा था कि 10 कमरे हैं, जो चौथे कमरे पर है वो फिजिक्स पढ़ाता है, जो इस पे है वो ये करता है वो करता है। तो ये जो टाइप है यही टाइप इसमें भी है लेकिन ये बाद में है। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति बैठे हैं और बी जो है बाएं से चौथे नंबर पे है, डी दाएं से आठवें नंबर पे है, मोहन या यफ जो है बी के बाएं दूसरे नंबर पे है, तो इसी तरह से दिया गया रहेगा उसको हमको अरेंज करना रहेगा। या फिर कह दिया गया कि एक मेज के चारों तरफ पांच व्यक्ति बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो दोनों टाइप हम जो है पढ़ते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत। तो सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट में हम दो टाइप पढ़ते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक, एक ओपन और एक क्लोज। तो देखिए जब ओपन पढ़ेंगे तो ओपन वाले में हमारा जो है सीधा व्यक्ति बैठता है। ठीक, सीधा व्यक्ति बैठेगा मतलब एक पंक्ति में बैठते हैं। और जब क्लोज की बात करेंगे तो उसमें त्रिभुज में बैठ सकते हैं, चतुर्भुज के आकार में बैठ सकते हैं और उसके बाद फिर डायगोनल के आकार में बैठ सकते हैं और आपके जैसे पंचभुज के आकार में बैठ सकते हैं, तो एक दो तीन चार और पांच खष्टभुज के आकार में बैठ सकते हैं, किसी भी आकार में वो बैठ सकते हैं। फिर उनके ऊपर निर्भर रहता है कि प्रश्न में क्या दिया है। बस ये जानिए कि क्लोज में आपका जो रहेगा वो बंद रहेगा। और क्लोज में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन क्लोज का ही पूछा जाता है, इसमें का भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका पूछ लिया जाता है फिगर काउंटर उससे। इसमें का जो चैप्टर पूछा जाता है, ये चैप्टर पूछ लिया जाता है आपके जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था रैंकिंग से, तो रैंकिंग से इसमें का प्रश्न ज्यादा बनता है। लेकिन अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो उसमें आपके क्लोज क्रम के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इसके तीन टाइप है, तीन टाइप मतलब कि आप देखिए मैं वृत्त लेकर बता रहा हूँ, वही चीज वर्ग के लिए भी है, वही चीज चतुर्भुज के लिए भी है, वही चीज आयत के लिए भी है, वही चीज समकक्षभुज के लिए है, वही चीज समभुज के लिए है, सब चीज के लिए। अब देखिए अगर मान लीजिए वृत्त के चारों तरफ कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो या तो उनका मुख अंदर होगा या तो उन सभी का मुख अंदर की तरफ होगा और या तो उन सभी का मुख बाहर की तरफ होगा। ठीक, और या तो मिक्स का बनता है, मिक्स का मतलब कुछ का अंदर रहेगा कुछ का बाहर रहेगा, कुछ का अंदर रहेगा और कुछ का बाहर रहेगा। तो क्लोज कर्म में यही तीन टाइप बनते हैं, क्लोज कर्म में यही तीन टाइप आपका बनता है। अब देखिए कुछ और चीजें जानेंगे, तो ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। और अगर आप बने रहेंगे तो आज जो है आपका ये टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीटिंग अरेंजमेंट द स्पीड स्टडी। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कुछ चीजें हम सीखते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं जिसमें आपका रहेगा पहला चीज क्या क्या सीखना है। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए तब हम स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। हेलो पंकज, दीपक, मोहित, मुकेश, आशीष। ठीक है, तो देखिए इसमें समझना क्या है। पहला चीज तो हमको समझना है बायां दायां, दूसरा चीज समझना है पड़ोसी, तीसरा चीज समझना है बीच में, चौथा चीज समझना है सम्मुख और अगला चीज समझना है विपरीत। ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग इस चैप्टर में होगा बार बार
और इसको अगर आप समझे रहेंगे तो फिर चैप्टर आपके समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कह दिया गया बाया या दाया, अब देखिए अगर आपका मुख अंदर की तरफ है, किधर है, अगर आपका मुख अंदर की तरफ है तो आपका जो इधर का भाग रहेगा वो बाया और इधर का भाग जो रहेगा दाया। ठीक, उसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा बाया और ये हो जाएगा दाया, इसकी बात की जाएगी ये हो जाएगा बाया और ये हो जाएगा दाया, इसकी बात की जाएगी ये हो जाएगा बाया ये हो जाएगा दाया, इसकी बात की जाएगी ये हो जाएगा बाया ये हो जाएगा दाया, उसी तरह इसकी अगर बात की जाएगी तो ये होगा बाया और ये हो जाएगा। किसी को कहीं समस्या हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। जैसे अगर मुख बाहर की तरफ है तब क्या होगा, अगर मुख बाहर की तरफ है तो यही चीज उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब अब जो है मुख बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ रहेगा तो इधर हो जाएगा आपका बाया और इधर हो जाएगा आपका दाया, इधर हो जाएगा आपका बाया इधर हो जाएगा आपका दाया, इधर हो जाएगा बाया इधर हो जाएगा दाया, इधर हो जाएगा बाया इधर हो जाएगा दाया, इधर हो जाएगा बाया इधर हो जाएगा दाया। ठीक, ये बाया सॉरी और ये सॉरी दाया, ये हो जाएगा बाया और ये हो जाएगा दाया। पहला कॉन्सेप्ट आपका है बाया और दाया वाला। तो इसमें देखिए दो चीज आता है, अगर मुख अंदर की तरफ है, अगर मुख अंदर की तरफ है तो जिस पेन से आप लिख रहे हैं उधर की जो दिशा होगी वो दाई होगी और जिससे नहीं लिख रहे हैं वो आपकी बाई होगी। लेकिन अगर मुख बाहर की तरफ है जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो आपका क्या होगा बाया और जो नहीं लिख रहे हैं वो आपका होगा क्या दाया। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, अगर लेफ्ट और राइट समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको समझ लीजिए, बहुत आसान रहेगा। ठीक, अगर लेफ्ट और राइट की बात करें तो राइट मतलब दाया और लेफ्ट मतलब बाया। अब देखिए पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, जैसे कह दिया जाए कि ए बी का पड़ोसी है तो अगर इसको हम ए मान लें तो ए जो है बी का पड़ोसी है, मतलब बी यहां हो सकता है या फिर बी यहां हो सकता है, तो देख रहे हैं ए बी का पड़ोसी होगा दोनों स्थितियों में। ठीक, फिर कह रहा है कि बीच में, तो जैसे कह दिया जाए कि पी और क्यू के बीच में सी है, सी पी और क्यू के बीच में है, इसका मतलब कि अगर हम यहां पे सी लिख दे तो सी पी और क्यू के बीच में रहेगा, सी जो रहेगा वो किसके बीच में रहेगा पी और क्यू के बीच में रहेगा, तो ये है बीच। सम्मुख का क्या मतलब, जैसे कह दिया जाए कि ए और बी सम्मुख है, सम्मुख का मतलब दोनों लोगों का जो मुख है वो एक सीध में है, दोनों लोगों का मुख एक सीध में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ए और बी इस तरह है दोनों लोग, देखिए इनका भी मुख इधर ही है इनका भी मुख इधर ही है, मतलब दोनों लोग सम्मुख है, दोनों लोगों का मुख जो है वो क्या है समान है, सम्मुख समान दिशा में है। और विपरीत का मतलब क्या हुआ समझिए, विपरीत का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बना देखिए, विपरीत का मतलब समझिए ये बी और बी और डी, इनको दोनों को देख रहे हैं ना, इनको दोनों देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, सम्मुख नहीं है, सम्मुख क्यों नहीं, क्योंकि इनका मुख नीचे की तरफ है इनका मुख ऊपर की तरफ है, मतलब अगर दोनों लोगों का मुख एक दूसरे की तरफ होता, दोनों लोगों का मुख एक दूसरे की तरफ होगा तो वो सम्मुख है, अगर दोनों लोगों का मुख जो है विपरीत होगा तो वो विपरीत है। ठीक, तो ये चीजें हैं कुछ पॉइंट जो कि बच्चों को समझने में समस्या होती है, तो ये सब हमने बता दिया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर संख्या सम दी गई है, जैसे कह दिया जाए कि चार लोग एक मेज के चारों तरफ बैठते हैं, समझिएगा ये सब पॉइंट है जिससे जो है आपका ये पूरा चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। जैसे कह दिया गया कि चार लोग एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, तो अगर संख्या सम दी गई रहे ना तो एक दूसरे के सम्मुख बैठा लेना सबको, मतलब एक दो
तीन चार। तो देखिए चार लोग को हमने बैठा दिया। अगर कह दिया जाए छह लोग को बैठाया जाता है तो सम अगर बात की जाए तो सम वाले में एक दूसरे के सम्मुख ही बैठाना। अगर मान लीजिए कह दिया गया आठ लोगों को बैठाता है तो आठ लोग ऐसे हो गए। लेकिन अगर कह दिया जाए पांच लोग बैठते हैं तो फिर पांच लोग चाहे जैसे आप बैठा दीजिए, जैसे बोला बनाइए पांच लोग को बैठा दीजिए, ऐसे बैठा देंगे तब भी सही रहेगा। तो चाहे जैसे बैठाए, अगर विषम है तो चाहे जैसे बैठाए, अगर सम है तो सम्मुख ध्यान देना कि सम्मुख ही बैठे। ठीक, तो ये चीज है। जैसे हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं, ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर एक, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, क्या कहना है समझिएगा। पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और यस अव्यवस्थित क्रम में, ठीक, अव्यवस्थित क्रम में वृत्ताकार एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं देखिए, वृत्ताकार बैठे हैं इसका मतलब एक वृत्त बना लीजिए। कितने लोग बैठे देखिए, P W Q X R Y Z S, मतलब पांच और तीन आठ लोग बैठे हैं। आठ लोग बैठे हैं, चलिए आठ कर देते हैं हम, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लोगों को हमने बैठा दिया, आठ लोग बैठ गए। अब प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। पहले आप ये समझ लीजिए, प्रश्न में पहले आप ये निकालिए कि कौन सी जानकारी हमको एकदम स्पष्ट दी गई है। तो एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। वाई जो है, वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा है। एक चीज हमको मिल गया कि वाई जो है क्यू और आर के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब कि क्यू और आर के बीच में वाई है, इसका मतलब कि Q और R के बीच में Y बैठा है। मतलब या तो Q यहां होगा R यहां होगा, या तो R यहां होगा Q यहां होगा, इसीलिए हम इस तरह बना देते हैं। आगे चलिए, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कहा है P ना तो X के और ना ही Z के बगल बैठा है। P जो है ना तो P जो है ना तो X के बगल बैठा है और ना ही जेड के बगल बैठा है। तो ये अपवाद है, ये अपवाद है, इसको ऐसे कहीं लिख लीजिए। ठीक, कि मतलब पी ना तो यक्स के बगल बैठा है ना तो जेड के बगल बैठा है। आगे पढ़िए, कह रहा है क्यों के दाएं जेड है, क्यों के दाएं जेड है, तो क्यों ये है और इसके दाएं की बात की जाए, क्यों के दाएं अर्थात यहां तो वाई है, अर्थात यहां पर नहीं होगा, इसका मतलब क्यों आपका कहां होगा। देखिए स्पष्ट हो गया, क्यों आपका यहां होगा और क्यों के दाएं जेड है तो अर्थात जेड आपका यहां होगा। देखिए प्रश्न में कह रहा था कि सभी लोग जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और एक दूसरे के सामने का मतलब ये हुआ कि इनका मुख किधर है, इनका मुख केंद्र की तरफ है, तभी तो एक दूसरे के सामने बैठेंगे। देखिए इसमें कह रहा था कि क्यों के दाएं जेड है, जेड जो है क्यों के दाएं है, इसीलिए क्यों यहां होगा, और जब क्यों वहां होगा तो एक चीज फिक्स हो गया कि आर यहां होगा। किसी को कोई समस्या, पहले फिक्स नहीं था कि क्यों और आर कहां है, पहले केवल यही था कि वाई जो है वो क्यों और आर के बीच में है, तो क्यों यहां हो सकता था, आर यहां हो सकता था, दूसरी स्थिति में क्यों यहां हो सकता था, आर यहां हो सकता था। फिर हमने आगे जब पढ़ा तो उसमें कह रहा है कि जेड क्यों के दाएं है, अगर हम क्यों यहां रखेंगे तो जेड यहां होना चाहिए जो कि गलत है, तो इसीलिए क्यों के दाएं अर्थात क्यों यहां होगा तो जेड कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यक्ष के बाएं से और यक्ष के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर यस बैठा है। समझिएगा, कह रहा है कि क्यों के यक्ष के बाएं से और एक बार फिर से समझिएगा,
यक्ष के बाएं से और वाई के दाएं से, तो वाई के दाएं से, तो वाई यहां पे है और इसका दाया, वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर यक्ष बैठा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यक्ष बैठा है। कहां से? फिर समझिएगा, यक्ष के बाएं से। तो अब इधर से कोई स्थिति नहीं है जो कि तीसरे नंबर पर पड़े। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात यक्ष आपका, यक्ष आपको कहां रहेगा? यहां रहेगा। तो अब समझ लीजिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि यक्ष के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे नंबर पर यक्ष है। तो यक्ष के बाएं देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और वाई के दाएं देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, यक्ष बैठा दिए। अब समझिएगा, अब आगे क्या कह रहा है कि यक्ष किसके बीच में बैठा है। तो चलिए अब सारी चीजें भर दीजिए। क्या कह रहा था? पी जो है यक्ष और जेड के बगल नहीं रहेगा। इसका मतलब कि अगर हम पी को यहां रख लें, अगर हम पी को यहां रख लें, तो देखिए चूंकि कह रहा पी यक्ष और जेड के बगल नहीं रहेगा, पी को अगर हम यहां रखेंगे तो जेड हमारा यहां पे है, जेड के बगल पी नहीं पड़ेगा, यक्ष हमारा यहां पे है, यक्ष के बगल भी पी नहीं पड़ेगा। और बचा कौन? एक लोग बचे होंगे, कौन बचा? देखिए डब्लू बचा है, तो यहां पे किसको बैठा दीजिए? यहां पे डब्लू को बैठा दीजिए। देखिए आपकी पूरी अरेंजमेंट पूरी हो गई, आपकी सारी अरेंजमेंट पूरी हो गई जो चीज कह रहा था। अब प्रश्न में जो भी पूछेंगे वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं। कहीं समस्या हो तो बताइए, कुछ कहा किया नहीं गया, केवल जो कह रहा था वही हमने किया। कह रहा था वाई और वाई जो है वो क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो वाई को हमने क्यू और आर के बीच में बैठा दिया, ठीक। फिर कह रहा था कि क्यू के दाएं जेड है, इसलिए क्यू के दाएं जेड को कर दिया। फिर आगे कह रहा था कि जो है वाई से तीसरे स्थान पर और यक्ष से तीसरे स्थान पर यक्ष है, वाई से तीसरे स्थान पर यक्ष, यक्ष के तीसरे स्थान पर यक्ष। फिर आगे देखिए कह रहा था पी जो है यक्ष और जेड के बगल नहीं रहेगा, तो देख रहे यक्ष आपका यहां है, जेड आपका यहां है, अर्थात पी ना तो यहां होगा ना तो यहां होगा, तो एक स्थिति बची पी यहां होगा, और पी यहां होगा तो जो बचा वो हमारा यहां हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और देखिए, कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि एक वृत्त में पांच लोग ए बी सी डी ई एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, पांच लोग बैठे हैं, तो पांच लोग बैठे हैं, बैठा दीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक। पांच लोग एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब केंद्र की तरफ सबका मुख है। आगे चलिए, कह रहा है बी के दाएं और ए के बाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, मतलब जो बी के दाएं बाएं बैठा है वो एक के दाएं बैठा है। चलिए इसमें स्पष्ट है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। डी बी के दाएं बैठा है, डी बी के दाएं बैठा है, अर्थात अगर बी यहां है तो डी यहां हो जाएगा। देखिए बी के दाएं कौन बैठा है? डी बैठा है। चलिए आगे चलिए, कह रहा है कि ए ई और सी बीच में बैठा है, ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है। अब इसको थोड़ा दूर चलिए, पहले नंबर पर चलिए। कह रहा था बी के बाएं और ए के दाएं एक ही व्यक्ति बैठा है, बी के बाएं, तो बी के बाएं कौन हो जाएगा? ये, और ए के दाएं, अर्थात ए के दाएं ये, यहां पर एक ही व्यक्ति बैठा है, मतलब बी के बाएं जो बैठा है वही ए के दाएं बैठा है, ठीक। अब आखिरी पॉइंट पर चलिए, कह रहा ए ई और सी के बीच में बैठा है, ए ई और सी के बीच में बैठा है, इसका मतलब ई या सी और सी या ई, मतलब अगर यहां ई होगा तो यहां सी होगा, यहां सी होगा तो यहां ई होगा, ये चीज है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा था प्रश्न में, कह रहा है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए में क्या कह रहा है? देखिए केवल एक और दो पर्याप्त है, केवल एक और तीन पर्याप्त है, केवल तीन पर्याप्त है, या फिर अगला कह रहा है लक्ष्य अपर्याप्त है। तो
तो इसमें आपका डी सही होगा, लक्ष्य अपर्याप्त है कि हमको क्या करना है, ये चीज हमको फिक्स नहीं दिया गया है। तो ये चीज है इसकी सीटिंग अरेंजमेंट, इसका जब अरेंजमेंट करेंगे तो यही चीज है। और काहे के लिए हमने इस पर लगाया कि लक्ष्य अपर्याप्त है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये दोनों लोग फिक्स नहीं है कि यहां पे कौन एक रहेगा। ठीक, तो यहां पे या में आने लगा कि या तो सी रहेगा या तो ई रहेगा, इसीलिए ऐसा होगा कि लक्ष्य क्या है आपका, अपर्याप्त है। ठीक, तो ये चीज है आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की हल करने की विधि। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं जिसमें जो है मुख उनका बाहर की तरफ रहे, समझिए एक प्रश्न लेते हैं जिसमें मुख किधर रहे, बाहर की तरफ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि लिखा है कि मोहित प्रेरणा कुतुब राहुल स्टैलिन तुहिन उजाला वरुण और बहिरा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन कौन बैठा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आठ लोग हैं। तो आठ लोग हैं तो एक वृत्त बना लीजिए और वृत्त के चारों तरफ आठ लोगों को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ लोगों को बैठा दीजिए। क्या कहना सुनिएगा, कौन कौन लोग हैं, प्रेरणा कुतुब राहुल स्टालिन तुहिन उजाला। ठीक, 3 3 6 दो और हैं उजाला, उसके बाद वरुण और वहीदा। ठीक, ये चीज है, देखिए सबको बैठा दिया। अब चलते हैं बैठाते हैं, प्रश्न क्या कह रहा सुनिएगा, कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मतलब कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सब लोग। आगे कह रहा है कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है लेकिन तुहीन या स्टाइलिन का पड़ोसी नहीं है। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं। देख रहे हैं प्रेरणा के तुरंत बाएं वहीदा है, अगर स्पष्ट नहीं है तो चाहे जो भर लीजिए आप। फिर आगे देखिए कह रहा है उसी में कि लेकिन वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है लेकिन तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं है, मतलब वहीदा जो है वो तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं है। ठीक, इसका मतलब कि यहां पे ना तो तुहिन आएगा और ना ही स्टालिन आएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। फिर आगे देखेंगे वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। फिर आगे देखेंगे तो क्या कह रहा है कि राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, तो इसको देखिए, इसको अभी मिटा दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें स्पष्ट हमको एक चीज मिल गया। क्या मिल गया कि राहुल जो है वो तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब कि तुहिन और उजाला के बीच में कौन बैठा है, राहुल बैठा है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर एक चीज निकालिए कि जो फिक्स दिया गया हो, इसमें फिक्स आपको मिल गया कि राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, इसका मतलब कि तुहिन या उजाला और उजाला या तुहिन, मतलब ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब चलिए अब प्रश्न पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि उजाला जो है कुतुब के तुरंत दाएं बैठा है, तो देखिए अगर हम कुतुब को यहां रखेंगे तो उजाला किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, इसीलिए कुतुब यहां होगा और कुतुब के दाएं उजाला होगा, तो इसीलिए यहां पे फिक्स हो गया कि यहां पे कौन आएगा, उजाला आएगा। और जब यहां पे उजाला है यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे तुहिन आ जाएगा। अब आगे समझिए, कह रहा था प्रश्न में कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है
लेकिन तुहिन या स्टाइलिन का पड़ोसी नहीं है। फिर आगे कह रहा था उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, और आगे कह रहा था कि वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण तुहिन के बगल में बैठा है इसका मतलब कि वरुण जो है भाई यहां तो बैठ नहीं सकता, तो यही बैठेगा। तो देखिए वरुण तुहिन के तुरंत बगल में बैठा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा था कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहिन या स्टाइलिंग का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो इसका मतलब प्रेरणा अगर यहां पे है तो वहीदा कहां पे होगी, यहां पे होगी। देखिए प्रेरणा वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, ठीक। तो ये चीज है। अब बचा कौन, एक लोग बचे हैं स्टाइलिंग, तो स्टाइलिंग आपके कहां आ जाएंगे, स्टाइलिंग यहां आ जाएंगे, ठीक। तो ये चीज है, कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए और हम बताएंगे, ठीक। तो आज हमने जो है पता हो तो एक तारीख से जो हमारी पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता है उसमें आप लोग हिस्सा जरूर लें। 1 अगस्त से ये प्रतियोगिता स्टार्ट होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये प्रतियोगिता कितनी यूजफुल रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर अरेंजमेंट, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 6 दोस्त पंकज, काजी, रोहित, सन्नी, तरबेज और मनोरंजन एक षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने पर षटकोण के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 6 दोस्त बैठे हैं, तो 6 दोस्त बैठे हैं इसका मतलब 6 दोस्तों की अरेंजमेंट जो हम लोग करेंगे वो किस तरह करेंगे, षटकोणीय करेंगे, ठीक। तो ये है हमारा, देखिए 6 दोस्त हम बैठा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 दोस्त बैठे हैं और सबका मुख जो है किधर है, अंदर की तरफ है, अर्थात सबका मुख जो है किधर है, अंदर की तरफ। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सुनिएगा, पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। काजी जो है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर काजी यहां रहेगा तो रोहित या सन्नी और सन्नी या रोहित, मतलब काजी जो है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर सन्नी बैठा है तो इधर रोहित बैठेगा, अगर इधर रोहित बैठा है तो इधर सन्नी बैठेगा। तो इस 2 में से कोई एक होगी, और वो कोई एक क्या होगी, आगे जब हम भरेंगे तो वो पता चल जाएगा। आगे कह रहा है कि आगे प्रश्न में था कि पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, तरबेज सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तरबेज सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सन्नी को हम यहां पर रखें, अगर सन्नी को यहां पर रखें, देखिएगा अगर सन्नी को हम यहां पे रखें तो तरबेज जो है सन्नी के बाएं दूसरा है, तो सन्नी का बाएं ये है पहला दूसरा, तो अगर सन्नी यहां पे रहेगा तो सन्नी के बाएं दूसरा यहां पे, अर्थात तरबेज को यहां पे बैठाना है, जो कि गलत है क्योंकि काजी के बगल या तो सन्नी बैठेगा या तो रोहित बैठेगा।
इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि सन्नी यहां ना होकर के कहां होगा, यहां होगा। तो अब क्या कह रहा है कि तरबेज जो है वो सन्नी के बाएं दूसरा है, तो सन्नी यहां है, सन्नी के बाएं दूसरा मतलब पहला दूसरा। यहां पे कौन है, यहां पे है तरबेज। किसी को कहीं समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग 1 तारीख से चलने वाली जो प्रतियोगिता सीरीज है उसमें जरूर हिस्सा लीजिएगा, जीतने वाले को 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, तरबेज सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब हम लोग सब कुछ भर चुके हैं, केवल एक बचा हुआ है, कौन सा, पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है। मतलब यह हुआ कि अगर हम पंकज को यहां पर रखें, पंकज को यहां पे अगर रखें तो कह रहा पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब मनोरंजन कहां पे होगा, मनोरंजन यहां पे बैठेगा। देखिए मनोरंजन का बाया ये है, तो बाएं से पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे पंकज आ जाएगा। तो ये चीज है आपकी सेटिंग, ये चीज है आपकी सेटिंग, कहीं समस्या हो तो आप लोग बताइए। जो जो इसमें कह रहा था वो सारी चीजें हमने इसमें भर दी। देखते हैं अगला प्रश्न, आज का प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। कह रहा है संगीत के 9 प्रशंसक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। संगीत के 9 प्रशंसक हैं और उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 प्रशंसक हैं जो कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, हमने सबको बैठा दिया। आगे क्या कह रहा है देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं पर समस्या हो तो बताइएगा, उसको सही किया जाएगा। तो जैसे देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है उनके नाम जैकब, किंजल, लिपिका, मनोज, नीता, ओंकार, पद्मजा, करीम और रमीज है। अब सुनिएगा, लिपिका मनोज के दाएं, लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरी है। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है। एक चीज आपको फिक्स मिल गया, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज फिक्स है। तो इसमें जब हम पढ़ रहे हैं तो कह रहा है किंजल पंक्ति की अंतिम छोर पर है, तो किंजल जो है वो कहां पे है, वो पंक्ति की अंतिम छोर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि किंजल कहां पे है, किंजल यहां पे है पंक्ति की अंतिम छोर पर। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है करीम, ओमकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठा है। करीम जो है ओमकार और पद्मजा के बगल में बैठा है, ओमकार जैकब के तुरंत दाएं है और किंजल के बाएं तीसरा। अब देखिए किंजल के बाएं तीसरा कौन है, ओंकार है और जैकब तुरंत दाएं है, तो किंजल के बाएं तीसरा कौन है, ओंकार है। लास्ट वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, क्या कहना है कि किंजल के तुरंत बाएं तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा और यहां पे कौन है, ओंकार है। कौन है, ओंकार है। और एक चीज कह रहा है कि ओंकार जैकब के तुरंत दाएं है, मतलब कि देखिए अब चूंकि इधर जो चलेंगे हम वो हमारा बाया रहेगा, इधर चलेंगे तो कौन सा रहेगा, बाया रहेगा, और इधर चलेंगे तो हमारा दाया रहेगा। तो कह रहा है ओंकार जो है वो जैकब के तुरंत दाएं है, इसका मतलब ये हुआ कि जैकब हमारा यहां पे है तो जैकब के तुरंत दाएं कौन है, ओंकार है, और ओंकार जो है वो किंजल के बाएं तीसरा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा। इतना किसी को समस्या हो तो बताइएगा। आगे लाइन हम पढ़ते हैं, अब इनमें से देखिए किसी से संबंध कोई है। लास्ट की सेकेंड लाइन देखिए, कह रहा है करीम ओंकार और पद्मजा के, करीम ओंकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठा है। करीम जो है ओंकार और पद्मजा के बगल में बैठा है, तो एक तरफ ओंकार दिख रहा है आपको और एक तरफ पद्मजा कर दीजिए और बीच में कौन हो जाएगा,
बीच में हो जाएगा आपका करीम। तो कह रहा है करीम जो है ओंकार और परमजा के बीच में बैठा है, इसका मतलब करीम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? पद्मजा। तो देखिए करीम जो है वो ओंकार और पद्मजा के बीच में बैठा है, जो चीज कह रहा है वही करते चलिए बस। तो करीम जो है ओंकार और पद्मजा के बीच में बैठ गया। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक चीज अगर हमको मिल गई तो हर लाइन में ये देखिए कि उससे संबंधित क्या कुछ दिया गया है। पहली लाइन में हमने पाया कि किंजल जो है आखिरी पंक्ति में बैठी है, मैंने लिख दिया। फिर मैंने आखिरी लाइन में पाया कि जो ओंकार है किंजल के बाएं तीसरा है, मैंने इसको लिख दिया। फिर लास्ट सेकेंड लाइन में हमने पाया कि जयकब जो है ओंकार जयकब के दाएं स्थान पर है, तो जयकब के दाएं कौन है? ओंकार है। फिर अगली लाइन में हमने पाया कि ओंकार और पद्मजा के बीच में करीम है, मतलब एक दूसरे से जोड़ते हुए पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं इसरा है। तो सुनिएगा, अब इसमें से तो कोई चीज मिल नहीं रहा हमको, अर्थात इसमें नया लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है सुनिएगा। कह रहा है कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं, तो मनोज के तुरंत दाएं लिपिका है। अब मनोज को हम चाहे मनोज को हम यहां बैठा दें, चाहे मनोज को हम यहां बैठा दें, और चाहे मनोज को हम यहां बैठा दें। अगर मनोज यहां बैठेगा तो कह रहा लिपिका मनोज के दाएं, लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मनोज को यहां बैठा, का मतलब कि लिपिका के दाएं तीसरा है, कौन है? मनोज है। क्योंकि कह रहा है इसमें कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के तुरंत दाएं तीसरा है, मतलब अगर हम नीता को यहां बैठा लें तो नीता के दाएं तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन बैठेगा? कह रहा है लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरी है, नीता के दाएं तीसरी है कौन? लिपिका। लिपिका जो है नीता के दाएं तीसरी है, तो लिपिका आपकी हो जाएगी यहां पे, मतलब नीता के दाएं तीसरी, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पे हो गई है। और कह रहा है कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है, इसका मतलब मनोज कहां पे होगा? मनोज यहां पे होगा, तो मनोज के तुरंत दाएं देखिए लिपिका आ गई। अब एक व्यक्ति कोई बचा है, जो बचा है वो यहां पे बैठेगा, तो कौन बचा है देख लीजिए। बचा है लिपिका मनोज, लिपिका मनोज नीता ओंकार करीम रमीज, रमीज बचा है, तो रमीज हमारा कहां पे हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा। ये चीज है हमने पूरी अरेंजमेंट कर दी, ये चीज है हमने पूरी अरेंजमेंट कर दी। किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो जैसा कि मैंने कहा है, सितंबर मैंने टारगेट लिया है कि सितंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न भेज सकते हैं ग्रुप पे, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको अब इनाम भी दिया जाएगा और इनाम की जो क्विज है वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी, आप लोग उसमें हिस्सा जरूर लें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 5 चीजें हल्दी मिर्च नमक चीनी और काली मिर्च 5 बोतलों में रखी जाती है बाएं से दाएं रखी जा रही है। 5 चीज रखी जा रही है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चीज रखी जा रही है। अब सुनिएगा, बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च है और ना ही मिर्च है, मतलब बीच में जो बोतल है ना तो काली है और ना तो मिर्च है, मतलब ना तो काली मिर्च है और ना तो मिर्च है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी या हल्दी या मिर्च नहीं है,
अंतिम से पहली वाली बोतल में अर्थात इसमें क्या क्या नहीं है, चीनी नहीं है, हल्दी नहीं है और मिर्च नहीं है। ठीक, चलिए ये नहीं है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एकदम बाएं रखी बोतल में ना मिर्च है और ना चीनी है, इसमें जो है ना तो मिर्च है और ना तो चीनी है। अब आगे चलिए क्या कह रहा है, बाएं से दूसरी बोतल में नमक है, बाएं से दूसरी बोतल में नमक है। तो देखिए एक चीज हमको मिल गया, बाएं से दूसरी, ये हमारा बाया है, बाएं से पहला ये हो गया और दूसरी ये हो गई, तो बाएं से दूसरी बोतल में क्या है, नमक है, अर्थात नमक आपका दे दिया गया कि नमक यहां पे है। ठीक, नमक कहां पे है, यहां पे है। अब देखिए हमको रखना क्या क्या है, हमको रखना था, हमको रखना था हल्दी, हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी, काली मिर्च। ठीक, तो एक दो तीन चार पांच, पांचों चीज हो गई। अब ये चीज है, इसी को देख करके अब हमको यही पांचों चीज भरनी है। एक चीज तो हमको मिल गया क्या, नमक, नमक हमको दे दिया गया। अब सुनिएगा, यहां पे चीनी, हल्दी, मिर्च ये तीन चीज नहीं रहेगी, मतलब चीनी नहीं रहेगी, हल्दी नहीं रहेगी, मिर्च नहीं रहेगी। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बची काली मिर्च। इसका मतलब कि यहां पे हम क्या रख दें, यहां पे रख दीजिए काली मिर्च। आप सुनिएगा, यहां पे काली मिर्च और मिर्च नहीं रहेगी, काली मिर्च हो गई और यहां पे मिर्च नहीं रहेगी और काली मिर्च नहीं रहेगी, मतलब या तो हल्दी रख सकते हैं आप या तो चीनी रख सकते हैं, या तो हल्दी रख सकते हैं आप या तो चीनी रख सकते हैं। तो चाहे आप हल्दी रखिए यहां पे, चाहे चीनी रखिए। तो अगर हम यहां पे हल्दी रखते हैं, अगर हम यहां पे हल्दी रखते हैं तो चीनी हमारी कहां रखी जाएगी, चीनी हमारी यहां पे रखी जाएगी। तो हमने हल्दी और चीनी रख दी। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास मिर्च बच गया। क्या बच गया, मिर्च बच गया। लेकिन मिर्च हम यहां पे नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि मिर्च और चीनी नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मिर्च और चीनी नहीं रखी जाएगी, तो यहां क्या रख दे, हल्दी रख दे। यहां पे हम क्या रख दे, हल्दी रख दे, क्योंकि मिर्च और चीनी नहीं रखी जाएगी। जब यहां हल्दी रख देंगे तो ये जगह खाली हो गई आपके पास। यहां पे काली मिर्च और मिर्च नहीं रखी जाएगी, काली मिर्च और मिर्च नहीं रखी जाएगी, तो चीनी को आप उठा के यहां रख दीजिए। चीनी को जब आप उठा के यहां रख देंगे तो आपके पास बची मिर्च, और मिर्च को हम उठा के यहां रख देंगे। सारा अरेंजमेंट हो गया। देखिए सबसे पहले आप एक चीज ये पकड़िए कि क्या चीज आपको फिक्स दिया गया है। तो फिक्स दिया गया था कि नमक जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर नमक को बैठा दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे चीनी, हल्दी और मिर्च नहीं रहेगी, तो चीनी, हल्दी और मिर्च नहीं रहेगी तो हमारे पास बचती है काली मिर्च, तो हमने काली मिर्च को यहां पे रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे काली मिर्च और मिर्च नहीं रहेगी, और यहां पे मिर्च और चीनी नहीं रहेगी, तो हम देख रहे हैं कि मिर्च और चीनी को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास बच क्या रही है, हल्दी बच रही है। हल्दी बच रही है तो हल्दी को हम यहां पे रख दिए, और हल्दी को यहां पे रख दिए तो हमारे पास चीनी है, और इसमें चूंकि चीनी के लिए नहीं रोका गया इसलिए चीनी यहां रख दिए। तो ये चीज है सारा अरेंजमेंट। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहीं भी समस्या हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक, आप लोग देख भी रहे होंगे, ये प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी रेलवे में। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है नीले, हरे, काले, लाल और सफेद रंग पांच अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में रखे गए हैं। पांच रंग रखे गए हैं बाएं से दाएं, ये प्रश्न आपका कैसा है, तीसरा, एक दो तीन चार और पांच, पांच चीज रखी गई है। क्या क्या रखी गई है सुनिए, पांच कलर, नीला, हरा, काला, सफेद, लाल। नीला, हरा, काला,
लाल, सफेद, ठीक, पांच कलर रखे गए हैं। अब सुनिएगा, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, ठीक, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, मतलब काला बॉक्स यहां पे नहीं है। फिर कह रहा है सफेद बॉक्स दाएं से, सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, सफेद बॉक्स दाएं छोर से, दाएं छोर ये आपका दाया छोर है, ये आपका बाया छोर है। कह रहा है सफेद बॉक्स दाएं से दूसरा है, मतलब पहला दूसरा, तो सफेद बॉक्स जो है आपका वो यहां पे, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है कि लाल और काले बॉक्स के बीच दो बॉक्स, लाल और काले बॉक्स के बीच दो बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच एक बॉक्स है, मतलब कह रहा है काला और लाल, काला और लाल के बीच दो लोग हैं, दो बॉक्स है, और लाल और, लाल और बीच दो बॉक्स हैं, लाल और नीले बॉक्स, लाल और नीले बॉक्स के बीच एक लोग है। ये चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लाल और नीले के बीच एक लोग हैं, इसका मतलब अगर हम नीला यहां बैठा दें तो लाल हमारा यहां हो जाएगा। तो देखिए नीला और लाल के बीच एक लोग बैठे हैं ना, किसी को कहीं समस्या, कह रहा है कि लाल और नीले के बीच एक लोग बैठे हैं, तो हम देख रहे हैं कि नीला अगर यहां रख दें, लाल यहां रख दें, तो नीला और लाल के बीच एक लोग हो जाएंगे। कुछ लोग सब कह रहे होंगे सर जी लाल कहियां कहदा, नीला कहियां कहदा, अगर बच्चा लाल कहियां पे देवे तो लाल यहां पे हो जाएगा और काला फिर हमको यहां पे रखना पड़ेगा, तब भी आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप यहाँ पे लाल रखिए और चाहे आप नीला रखिए, तो जैसे मैंने नीला रख दिया तो नीला और लाल के बीच में ये हो गया। अब लेकिन देख रहे हैं कि लाल और काला, लाल और काले के बीच में दो लोग हैं, अगर लाल यहाँ पे है तो काला हम यहाँ कहीं रखेंगे, तो देख रहे हैं हमारे पास कोई गिनती नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे लाल होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीला होगा। देख रहे हैं लाल और नीले के बीच में एक लोग हैं, तो लाल और नीले के बीच में एक लोग हैं। फिर लाल और काले के बीच में दो लोग हैं, तो ये लाल है और यहाँ पे काला कर दीजिए। देखिए लाल और काले के बीच में कितने लोग हैं, एक और एक दो लोग हैं, सब चीज फिक्स हो गया। अब एक कोई बचा है उसको यहाँ पे रख दीजिए, बचा कौन है, हरा बचा है, तो हरा आपका यहाँ हो जाएगा। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए, सब चीज हमने लिख दिया। कह रहा था कि काला जो है दाएं छोर पर नहीं रहेगा, और एक प्रश्न इसमें एक स्टेटमेंट में यह था, लिखा है, कह रहा है कि सफेद जो है दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो दाएं से दूसरे स्थान पर इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं से पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन है, सफेद। अगली पंक्ति में कह रहा है कि काले और लाल के बीच में दो व्यक्ति और नीले और लाल के बीच में एक व्यक्ति है, इसका मतलब अगर हम लाल को यहां पर रखें तो नीला आपका यहाँ पे होगा, तो लाल और नीले के बीच में एक व्यक्ति है, ये भी सही हो गया आपका, और लाल और काले के बीच में दो व्यक्ति हैं, ये भी सही हो गया, अर्थात पूरा आपका सही हो गया। किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए, और अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ मजा आ रही है तो एक शेयर जरूर कीजिए, और 4 तारीख से जो आपकी, मतलब 1 तारीख से जो आपकी सीरीज चलेगी उसमें भाग जरूर लें और जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न रहेगा। कह रहा है कि अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने लोग हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 सात लोग हैं उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो सात लोग को बैठा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 सात लोग बैठे हैं। नाम पे लिख दे रहा हूं, ए से अनीता, बी से विनीता, एस से सिंडी, डी से दीपक, आई से आइंस्टीन, एफ से फिरोज, जे से जॉर्ज, कोई नंबर दोबारा नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग लिखते हैं। कह रहा है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, सुनिएगा, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। पहले ये पकड़िए कि क्या चीज फिक्स दिया गया है आपको, तो कह रहा है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है, दीपक बाएं से तीसरे व्यक्ति
दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। मिल गया चीज क्या कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। तो पंक्ति के एक छोर पर है दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति, मतलब ये दाया है ये बाया है। अगर प्रश्न में ये कह रहा है कि एक छोर पर एक व्यक्ति बैठा है जो फाला के बाएं है, तो फाला के बाएं है इसका मतलब अगर एक छोर पर बैठा है तो वह व्यक्ति इस किनारे होगा या तो इस किनारे होगा, लेकिन चूंकि कह रहा है बाएं है तो इसका मतलब अगर हम यहां पर किसी को बैठा लेंगे तो ये तो उसका दाया हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बैठा है वो यहां बैठेगा तभी तो वो किसी व्यक्ति के बाएं बैठेगा। तो ये फिक्स हो गया क्या चीज कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है, इसका मतलब यहां पर एक व्यक्ति है जो कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति है। तो दीपक के बाएं तीसरा, तो दीपक अगर हम यहां पे रखें, दीपक को यहां पे रखें तो दीपक के बाएं तीसरा, देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहां पे एक व्यक्ति है जो किनारे बैठा हुआ है। तो एक चीज हमको फिक्स हो गया कि दीपक हमारा यहां बैठ रहा, मतलब डी आपका यहां पे है। फिर चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अब ऊपर चलिए, दीपक से संबंधित क्या कुछ दिया गया है, दीपक से संबंधित कुछ दिया गया है, दिया गया है क्या, सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है। सिंडी जो है दीपक और विनीता की पड़ोसी है, तो दीपक यहां पर है तो सिंडी या तो यहां पे हो सकती है, सिंडी या तो यहां पे हो सकती है। तो सिंडी जो है दीपक और विनीता की पड़ोसी है, तो सिंडी अगर यहां पे होगी तो विनीता यहां पे होगी, विनीता यहां पे होगी। ये दोनों चीज है भाई, या तो दीपक यहां पे है तो यहां पे सिंडी होगी, यहां पे विनीता होगी, या तो यहां पे सिंडी होगी और यहां पे विनीता होगी, दो में से कोई एक सही होगा आपका। ठीक, फिर चलिए आगे प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर रखेंगे, इधर रखें तब जो है फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, इसका मतलब फिरोज यहां पे रहेगा आइंस्टीन यहां रहेगा। देखिए फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, ये भी हो गया। या फिर ये हो सकता है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन यहां पे हो जाएगा फिरोज यहां पे हो जाएगा, तभी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीपक और विनीता को चाहे आप इधर रखिए चाहे आप इधर रखिए, दोनों सही है। अगर आपका मन करे कि आप इधर रखेंगे तो इधर रख लीजिए, आपका मन है इधर रखेंगे तो इधर रख लीजिए। तो चलिए हम इधर रख देते हैं, इधर खाली कर देते हैं। इधर जब खाली कर देंगे तो क्या कह रहा था कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, तो फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, इसका मतलब अगर आइंस्टीन यहां है तो फिरोज आपका यहां पे हो जाएगा। तो देखिए फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हो गया। अब आपके पास एक जगह बची है, एक जगह ये बची है एक जगह ये बची है। तो चलिए क्या कह रहा है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं से चौथा है, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं से चौथा है। एक संबंध मिल गया कि आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन यहां पे है तो चौथा, चौथा मतलब जॉर्ज के दाएं चौथा। तो एक दो तीन चार, और यहां पे रखेंगे तो एक दो तीन चार। अब सुनिएगा सुनिएगा, जॉर्ज यहां पे है और जॉर्ज के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, आइंस्टीन है, और आइंस्टीन के दाएं फिरोज है। ठीक, ये हो गया सब फिक्स। क्या कहा कि आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा है, जॉर्ज यहां है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा अर्थात आइंस्टीन आपका यहां है, और आइंस्टीन के दाएं फिरोज है तो फिरोज आपका यहां पे है। अब बचा कौन इसमें, देखिए तो बचा है ए, ए का मतलब क्या नाम है, ए का मतलब है अनीता। तो अनीता आपकी कहां पे हो जाएंगी, अनीता आपकी यहां पे हो जाएंगी। तो ये चीज है आपका लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट आपका मैंने बता दिया। एक प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा
एक प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा और क्या कह रहा है इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित तीन प्रश्नों का जवाब दें। तो प्रश्न नहीं, केवल आपको अरेंजमेंट करना है। कह रहा है एक चिड़ियाघर में पांच पिंजरे क्रमवार है, मतलब पांच पिंजरा है। पहले नंबर पर है बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, शेर को बंदर के बगल में रखा गया है, मोर बंदर और बाघ के बीच में है और शेर का पिंजरा मोर की दाईं ओर है। तो इसमें आपको यह बताना है कि बीच में कौन सा जानवर होगा, बीच में कौन सा जानवर होगा। ठीक, तो ये चीज है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ध्यान रखिएगा कि एक तारीख से चलने वाली सीरीज में आना मत भूलिएगा। और एक तारीख से जो चलने वाली सीरीज है, मतलब पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता, मतलब पढ़ाई भी कीजिए और साथ साथ पैसा भी पाइए, तो जरूर आइएगा एक तारीख से। और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। Daily commute and will only settle for a workstation at 40,000 feet. The excitement at work isn't about a game of pool, it's about landing at the world's highest airstrip.